विश्व संकट में है। युद्ध, संघर्ष या सताव के द्वारा जबरन विस्थापित हुए लोगों की संख्या हाल ही में 6 करोड़ की ऊंचाई पर पहुंची है, जिसमें 1,50,00,000 से ज्यादा शरणार्थी शामिल हैं। पूरे विश्व में लोग खुद के या तो उनके बच्चों के अच्छे जीवन की शोध में दूसरे देशों में जाकर बसते हैं। उसका परिणाम है जनसंख्या में भारी बदलाव। पिछले वर्ष लगभग 1,80,00,000 भारतीय लोग देश से बाहर रहते थे, जबकि दूसरे देशों में से 4,50,00,000 लोग भारत में रहने के लिए आए थे। हमारी जनसंख्या का ग्राफ नाटकीय रूप से बदल रहा है और हम ऐसे सांस्कृतिक आवाजों को आसानी से अनुमति दे रहे हैं जो राजकीय दलों से लेकर मीडिया की आवाजें हैं, और वो हमें विश्व के सभी देशों में से सभी देशों तक आगे बढ़ने के विषय के अनुभवों में अगुवाई करती है। हालांकि विश्वासियों के रूप में हमें जिस बाहरी आवाज की परवाह करनी चाहिए वो परमेश्वर की आवाज है। तो बाइबल अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के हृदय के बारे में क्या कहती है? आपके बाइबल के अनुवाद के आधार पर आप आपके बाइबल में अजनबी, अतिथि, परदेशी और पराये ऐसे शब्द 100 से ज्यादा बार देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि परदेशियों से प्रेम रखो, परदेशियों के लिए दशमांश का उपयोग करो, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परदेशियों को इकट्ठा करो, परदेशियों को छुट्टियों में और पर्वों के दौरान निमंत्रण दो और परदेशियों की भौतिक जरूरतों का ध्यान रखो। परमेश्वर ने यह आज्ञाएं क्यों दी? फिर से व्यवस्था विवरण की किताब इसे स्पष्ट करती है, क्योंकि एक समय पर इसराइली लोग मिस्र में परदेशी थे, क्योंकि इसराइली लोग गुलाम थे और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, जिससे दूसरे लोग परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के पीछे चलना सीख सके। हालांकि इस मामले में परमेश्वर के निर्देश व्यवस्था विवरण के अलावा दूसरी किताबों में भी दिए गए हैं। रूत के विषय में सोचो। रूत मोआब देश की एक परदेशी स्त्री थी जिसने एक यहूदी के साथ विवाह किया था, पर वो मर गया और रूत विधवा हो गई। सांस्कृतिक तौर पर रूत को उसके देश में जाकर उसके परिवार के साथ और उसके लोगों के साथ रहना चाहिए। दरअसल उसकी सास नाओमी उसे ऐसा करने का प्रोत्साहन भी देती है, हालांकि रूत ऐसा नहीं करती। नाओमी ने उसे इतना प्रेम और दया दिखाई थी कि उसे नाओमी से कहा कि तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत ने इसराइल के एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उसके लोगों की मान्यताओं को छोड़ने का निर्णय किया। कल्पना करें कि क्या होगा यदि दुनिया भर के ईसाई लोग उनके देशों में आए हुए ऐसे लोगों का स्वागत करें, उनसे प्रेम रखें और उनको आतिथ्य दिखाएं जो शरणार्थी, प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। तब हमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग प्राप्त होंगे जो ऐसा कहेंगे कि मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। परदेशियों के लिए परमेश्वर की फिक्र नए नियम में भी जारी है। यीशु ने कौन सी आज्ञाओं को सबसे मुख्य आज्ञाएं घोषित की थी? हाँ, परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु आगे समझाते हैं कि आपका पड़ोसी वो व्यक्ति नहीं जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं, पर सामरी, परदेशी, जो आपके जैसे नहीं और जिसे आप आमतौर पर टालते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। यीशु ने परदेशियों के लिए परमेश्वर के प्रेम की शिक्षा दी उतना ही नहीं, पर उन्होंने दुष्टात्मा से ग्रस्त गैर यहूदी को छुड़ाया, सामरी स्त्री के साथ कुएं के पास आत्मिक बातचीत की, रोमी सूबेदार के विश्वास की प्रशंसा की और सारपत की गैर यहूदी विधवा स्त्री ने इलिया को खाना खिलाया था उस बात की याद दिलाई। यह सब परदेशी, पराये और अजनबी लोग थे। प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय याद करो। पिंतेकुस्त के दिन पर उनकी खुद की भाषाओं में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के बारे में सुनने वाले प्रथम लोग कौन थे? वे तो यरूशलेम में आए हुए विदेशी थे। यह सच है, जब पवित्र आत्मा उतरा तब सुसमाचार का प्रत्युत्तर देने वाले प्रथम लोग यहूदियों के बीच रहने वाले दूसरे देशों के लोग थे। अरियोपगुस में दिए गए अपने उपदेश में पौलुस परमेश्वर के इरादों को स्पष्ट करते हुए कहता है कि उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोलकर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। यदि हम इस संदेश को अपने हृदय में ग्रहण कर ले तो क्या होगा? अगर दुनिया भर में लोगों की आवाजाही कोई डरने की बात न हो तो क्या होगा? यदि प्रवासी, शरणार्थी और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आमद वास्तव में एक आशीर्वाद है और महान आदेश को पूरा करने के लिए परमेश्वर का आयोजित अवसर है तो क्या होगा? ऐतिहासिक रूप से मिशन कार्य आपके संदर्भ को छोड़कर सभी देशों तक पहुंचने पर केंद्रित रहे हैं और यह जारी रहना चाहिए।
लेकिन शायद परमेश्वर को महिमा देने के मिशन में हर एक कुल, भाषा, लोग और देशों के लोगों का स्वागत करना भी उतना ही रणनीतिक कार्य है। और याद रखें, इफिसियों की पत्री के दूसरे अध्याय के अनुसार हम सब पहले अजनबी, परदेशी और परमेश्वर के राज्य के दुश्मन थे, लेकिन यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के राज्य के नागरिक, संतान और वारिस बनने का मार्ग तैयार किया है। प्रार्थना करो, भेंट दो, जाओ, स्वागत करो। परमेश्वर आपको कौन सी बुलाहट दे रहे हैं?